हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है, और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है, इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है, और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है, इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो
इग्लेसियास ने, प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडली स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिली रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियास ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडली स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिली रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियास ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने।
12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में।
इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी
हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन ट्रुचुरो, एरोन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन ट्रुचुरो, एरोन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर।
सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा, क्योंकि ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ।
जो लोग यहाँ मूवी देखने आए उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। देखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। देखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ।
तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कॉपीराइट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कॉपीराइट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन
रिडले स्कॉट ने किया है, लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिली रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है, लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिली रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है, लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग,
माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडली स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडली स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन,
सिंगाओर ने वीवर और बेन किंग्सले सिनेमेटोग्राफी की है, डरियूस वॉल्सकी ने, एडिटिंग की है बिनी रिच ने, म्यूज़िक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने, प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट, डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक कॉपीराइट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगाओर ने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने, एडिटिंग की है बिनी रिच ने, म्यूज़िक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने, प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक कॉपीराइट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगाओर ने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने, एडिटिंग की है बिनी रिच ने, म्यूज़िक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने,
प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने।
12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन ट्रुचुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन ट्रुचुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में।
इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरी कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है
और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर।
सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, TSG एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूं, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव शो के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ।
जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कॉपीराइट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। कॉपीराइट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ।
तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चोरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ, ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं, उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेटिव इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन
रिडले स्कॉट ने किया है, देखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूं ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है, देखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोरने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिनी रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर $200 मिलियन तक का। इस मूवी ने कमाई की थी $268.2 मिलियन। मैं आपको बता दूं ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है, देखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग,
माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोर ने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिली रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगोर ने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने। एडिटिंग की है बिली रिच ने। म्यूजिक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने। प्रोडक्शन कंपनीज में है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसीरियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफ्रे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन टर्चुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन,
सिंगाओर ने वीवर और बेन किंग्सले सिनेमेटोग्राफी की है, डरियूस वॉल्सकी ने एडिटिंग की है, बिनी रिच ने म्यूज़िक दिया है, अल्बर्टो इग्लेसियस ने, प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके। हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीसी रिव्यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सभी ने इतना अच्छा सहयोग दिया है, प्यार दिया है उसके लिए। साथ में इतने भी नए लोग मेरे चैनल पर आए हैं उनसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। एक ऑपरेट इशू के चलते मैं यहाँ कोई मूवी वीडियो तो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। जो लोग यहाँ मूवी देखना है उन लोगों से, क्योंकि मुझे यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो करना होता है, रूल्स को फॉलो करना होता है इसलिए। लेकिन आपको निराश नहीं करूँगा, मैं यहाँ मूवी की स्टोरी, फैक्ट, रिव्यू, सारी चीज़ों के बारे में बात करता हूँ। तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज हम बात करेंगे एक्सोडस गॉड्स एंड किंग्स मूवी के बारे में। ये मूवी 2014 में आई ब्रिटिश अमेरिकन बिब्लिकल एपिक फिल्म है, जिसका डायरेक्शन रिडले स्कॉट ने किया है। लिखी गई है एडम कूपर, बिल कॉलेज, जेफरे कैने, स्टीवन जेलियन। प्रोडक्शन किया है पीटर चेरनिन ने, रिडले स्कॉट, जेनो टॉपिंग, माइकल स्किफर, मार्क ह्यूफेन ने। किरदार इसमें है क्रिस्टन बेले, जॉयल एडगर्टन, जॉन ट्रुचुरो, रॉन पॉल, बेन मेंडलसोन, सिंगाओर ने वीवर और बेन किंग्सले। सिनेमेटोग्राफी की है डरियूस वॉल्सकी ने, एडिटिंग की है बिनी रिच ने, म्यूज़िक दिया है अल्बर्टो इग्लेसियस ने, प्रोडक्शन कंपनी इसमें है चेरनिन एंटरटेनमेंट, स्कॉट फ्री प्रोडक्शंस, बेबेका, वॉल्केनो फिल्म्स, टीएसजी एंटरटेनमेंट। डायरेक्शन किया है 20th Century Fox ने। 12 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड स्टेट में रिलीज़ की गई। इस मूवी की लेंथ थी 150 मीटर, लगभग आप 2.5 घंटे कह सकते हैं। ये मूवी 3 कंट्री में रिलीज़ की गई, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में, इंग्लिश लैंग्वेज में। इस मूवी का बजट था 140 से लेकर 200 मिलियन डॉलर तक का। इस मूवी ने कमाई की थी 268.2 मिलियन डॉलर। मैं आपको बता दूँ ये मूवी हिंदी में भी उपलब्ध है और ये मूवी हिट रही थी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई करके।